इतने ज्यादा खाने ऐसे मटन, वाइट मटन, रेड मटन नहीं कुछ खवांदे? नहीं भाई किते इतना कुछ खाईदा लगदी नहीं है। क्यों नहीं लगदा तेनू? अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फूड सफारी विद मी। अभी मेरे पीछे जरा आप लोग व्यू देखें, ये मरी माल रोड का खूबसूरत व्यू। रात के इस टाइम 2 बज रहे हैं और मरी माल रोड पे अभी तक यहाँ पे रौनक चल रही है फुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गुजरांवाला के कोई मज़ेदार से खाने, गुजरांवाला के प्योर खाबे, जो कि भाई आप लोगों ने पहले नहीं देखे होंगे। एक इंतहाई मज़ेदार गुजरांवाला की चीज़ है, गुजरांवाला के प्योर देसी खाने। ऐसा एक हिडन स्पॉट है कि गुजरांवाला के लोगों को भी इतना नहीं पता, एक इंतहाई मज़ेदार और कमाल का स्पॉट है। बाकी ये मरी माल रोड पर हम लोग फुल मज़ेदार सी वीडियोज़ आ रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत बहुत माल की वीडियोस आ रही हैं। तो सारी वीडियोस को लाजमी देखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि सारे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। खैर आज की इस वीडियो को गुजरांवाला के खाबों को एंजॉय करें। नाश्ता करके हम लोग पहुंचे हैं जी रेल बाजार में। यहाँ सुना है कि एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मिलती है, आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। फुल रौनक मेले हैवी बाजारों के। हाँ जी मामू की खवान ले आए हो? बाबा जी ये शाह और पहलवाना ना शहर गुजरांवाला। हाँ जी यहाँ पे भी ये लाजवाब है बेशक। यहाँ वाइट मटन लगाता है। अच्छा वाइट मटन वाले ना और ये दिखे वाले हैं। ये सुना है भट्टी रेस्टोरेंट, इधर जाके देखते हैं। इतने चलिए पहले हैं। आइयो दे आइयो। हम लोग पहुंचे हैं जी भट्टी रेस्टोरेंट, बड़ा मज़ेदार रेस्टोरेंट है रेल बाज़ार के अंदर। काफ़ी ज़्यादा खाने यहाँ पे चल रहे हैं, चिकन कौरमा, वाइट मटन है यहाँ पे, बिरयानी है, उसके बाद चने वगैरह है और भी काफ़ी ज़्यादा खाने की चीज़ें हैं, मछली हैं। जाके देखते हैं क्या सीन है सारा यहाँ पे खाने शाने। कोई तमन्ना है अभी? नाश्ता किए वैसे हमें आधा पौना घंटा हो गया, हम लोग ज़रा ना एक घूम फिर रहे थे, सनाउला लोगों को गुजरांवाला दिखा रहे थे, तो नाश्ता हमने वैसे भी थोड़ा सा किया। तो अब ज़रा ना यहाँ से टिका के खाना खाते हैं। क्या खाएं फिर यहाँ से? कोई कौरमा शोरमा बिरयानी कोई मटन क्या खाना चाहोगे? सनाउला शर्माता है, कोई नहीं आप ला के खाने हैं गुजरांवाला दी। मामू दसांगे लोरिए किस तरह खाते हैं। ठीक है ओके जी। ये है जी भट्टी रेस्टोरेंट, बड़ा मज़ेदार सा सेटअप है यहाँ पे, फुल हेवी पतीले शतीले पड़े हुए हैं। ये सामने हमारे मामू खड़े हैं, ज़रा मुआयना कर रहे हैं यहाँ का दुकानों का। खैर हम लोग अंदर चलते हैं। ओ ये भट्टी रेस्टोरेंट है रेल बाज़ार में, ये तकरीबन 35 to 40 years पुराना है। ये हमारे पास रेड कौरमा होता है मटन का, वाइट कौरमा होता है मटन का, उनको मछलियाँ और कौरमा भी कहते हैं, नलियाँ जो गुजरांवाला में मशहूर हैं। इसके अलावा गोश्त चने होता है, पुलाव होता है, चिकन कढ़ाई होती है और मटन कढ़ाई होती है काली मिर्च वाली, जो हमारी बेहतरीन है, जो गुजरांवाला में सबसे मशहूर है। ये रेड कौरमे की नलियाँ होती हैं, उनको मछली भी कहते हैं, और ये नलियाँ होती हैं। फुल हैवी जबरदस्त, सारी मछलियाँ इसके अंदर, सारी मछलियाँ होती हैं और 7 फुट चंप होती है सिंगल हमारे पास, जबरदस्त। साथ ही इसमें आगे चिकन कढ़ाई आ जाती है। ये रेड कौरमा था जी? ये रेड कौरमा है और ये चिकन, ये साथ चिकन कढ़ाई मसाले वाली है। फुल कढ़ाई वाला टेक्सचर है उसका जी, ना? फुल बिल्कुल कढ़ाई लग रही है जी, जबरदस्त। साथ ही ये पुलाव है आगे, ये पुलाव है, ये मुर्ग पुलाव होता है चनों वाला हमारा। साथ ही ये चने हैं, मुर्ग चने होते हैं, गोश्त चने होते हैं। यहाँ पे जर्दा भी पड़ा हुआ है, फुल हैवी। टोटली कितनी आइटम्स हो जाती हैं? कमाल, हमारे पास 10-12 आइटम, 10-12 आइटम्स, जबरदस्त कमाल है यार। इतना कोई मज़ेदार रेस्टोरेंट है, इतने ज़्यादा खाने ऐसे मटन, वाइट मटन, रेड मटन, और कढ़ाई जो है वो इतनी कोई कमाल की लग रही है। कढ़ाई ऐसे ना जैसे कढ़ाई के अंदर ही देसी स्टाइल से कढ़ाई बना के उसको देचके में रखा होता है, और पुलाव और खाने बहुत अच्छे हैं सारे, खुशबुएँ बड़ी कमाल। जो चने हैं ना वो मुझे देखने में इतने कोई मज़ेदार लग रहे हैं, काली मिर्च वाले चने हैं और फुल हैवी सिस्टम। लोग आ रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे चल रहे हैं चने चावल, लोग चावल लेते हैं, चावल के ऊपर चने डलवा रहे हैं। और यार
क्रेजी, बहुत अच्छा एक सिस्टम है। वाइट मटन, रेड मटन, फुल हैवी, मज़ेदार। जाते हैं और हम भी ज़रा ट्राई करते हैं कि क्या सीन है खाने का। हम लोग देखने जा रहे हैं वाइट मटन, और वाइट मटन के साथ और क्या चीज़ है यहाँ पे, सारा खाना बनता है ज़बरदस्त। ये क्या चीज़ है? ये वाइट मटन है, फुल हैवी। और यहाँ पे ये देसी मुर्गे, ओए ओए ओए, फुल हैवी वाइट मटन की नलियाँ, मज़ेदार, साथ देसी मुर्गे का शोरबे वाला सालन। और वहाँ पे क्या है? इधर चिकन कढ़ाई लगती है। चिकन कढ़ाई बनती है जी, सही हो गया, ज़बरदस्त। ये देसी मुर्गे फुल मज़ेदार शोरबे वाला, ओए ओए ओए, प्योर खाबे हैं। ये वाइट की मारी, वाइट मटन की नलियाँ, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मिल गई है कि खाना जी मैंने बेटा इनका वाइट मटन कोरमा, अच्छा। ये मैंने ट्राई किया हुआ है, अच्छा। इसके अलावा मैंने इनकी कोई आइटम ट्राई नहीं की। तो कैसा लगा आपको? मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था, मैं वही आपको बता के यहाँ तक लाया था, तो इनके वाइट कोरमे का मुझे पता था। बस सही है, आप जाते चलते हो, नीचे चलते हैं। आप तो काफ़ी देर में प्योर जो खाबे होते हैं ना, प्योर खाबे वो चल रहे हैं इस टाइम दोपहर के टाइम गुजरा वाला में, भट्टी रेस्टोरेंट में। कमाल हो गया है, इतना बजे अभी यहाँ पे बेसमेंट में जाके हम लोग नीचे बैठते हैं और अपना खाना भी हम लोग ऑर्डर करते हैं। और हाफ मटन, चिकन कढ़ाई, चने चावल, चने चावल और चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई हाँ, बाकी मीठा एंड पे खा लेंगे। ठीक है, आ गया जी, आ गया। ये तो प्लेटर बन गया पूरा हैवी चिकन कढ़ाई, जर्दा आ गया, जर्दा साथ ही ले आए हो। ये है चने चावल पुलाव, ओए होए, और साथ हमारे पास मटन, ज़बरदस्त है यार। बहुत ही एक मज़ेदार खाबों के राजा के रेस्टोरेंट से हमारे पास खाना आ गया। यहाँ पे है जी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, फुल ऐसे कमाल के मसाले के अंदर लथपथ, और इनकी मेन आइटम जो है वो है ये मटन, वाइट मटन, फुल ऐसे ग्रेवी और कमाल का बड़ा सा पीस है मटन का, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमारे पास है चने चावल और साथ एक चिकन का पीस है। यहाँ पे है जर्दा, जर्दा कर दो ज़रा साइड पे। वैसे जर्दा देखो है फुल बादाम मुरब्बे शुरब्बे डाल के हैवी। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं, फोड़ो जी। और हेलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस मटन से। ये मटन ना बड़ी कोई अखीर चीज़ होनी है, ये देख। ओए होए होए होए, पहले इसको ट्राई करें। ओए होए, ओहो यार बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। ओए मटन ऐसे टेंडर पूरा, ये देखो ज़रा, ओहो ये चीज़ है ना असल, पता नहीं कितनी देर इसको उन्होंने पकाया है, और ऐसे फुल रेशेदार मटन, ओए होए होए। ग्रेवी बहुत अच्छी है वाइट मटन की, काली मिर्च वाली ना लाइट से बिल्कुल। बड़ा नाम हो रहा था, चेक कर लिया, बहुत ही लाजवाब, टेस्ट हटके और बेहतरीन यार, बहुत अच्छा बहुत। चिकन कढ़ाई मुझे देखने में बड़ा ना हो रहा था कि चिकन कढ़ाई जो है ना फुल ऐसे मसालों के अंदर जैसे कढ़ाई में बनी होती, लेकिन बड़ी देचके में थी। तो ज़रा इसको चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओए ओए ओए, ब्रेड, ओए ओए यार, ऐसे चिकन के हर पीस पे मसाले लगे हुए हैं, ये आप लोग देखें ज़रा, हर पीस के ऊपर मसाले ही मसाले हैं, और कढ़ाई ऐसे मसालों वाली फुल मज़ेदार, बेशक मसाले हैं लेकिन स्पाइसी नहीं है ज़रा भी। हारिस भाई, ये चिकन का जायका मटन से भी आला है। मटन से अच्छा है, मटन से भी आला है, क्योंकि ये जरा करारा करारा है, करारा है वो लाइट्स है उसमें, बहुत लाजवाब प्योर मटन का टेस्ट आ रहा है। लेकिन ये
ये बड़ी स्पेशल चीज है। ये बहुत अच्छी है यार। इसमें तो मटन का टेस्ट है और हल्की सी काली मिर्च वाली लाइट सी ग्रेवी क्रीम वाली, लेकिन ये ज़रा करारा करारा फुल मज़ेदार। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, दोनों अच्छे हैं, वाकई दोनों ही अच्छे हैं। इसमें मक्खन का टेस्ट आ रहा है, इसमें मक्खन का टेस्ट आ रहा है सारा। ये वो जैसे ना फुल क्रीमी बटरी खाना, और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी है। इसमें प्योर मक्खन का टेस्ट है। दाल चावल, दाल चावल कह रहे हो, चने चावल आइयो ते ना निबड़ा। मैं सुबह से मैं कह रहा था, इंट्रो में मैंने बोला, मैं कहा अच्छे खाने ना निबड़ना है। इस चने इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार चने, और साथ ऐसे चिकन का पीस लगा के चिकन चने भी बन गए हमारे, और बिरयानी भी बन गई, पुलाव भी बन गया, और चने वाले चावल भी बन गए। बिस्मिल्लाह। यार हर चीज़ एक से एक बढ़ के। खीर यार मामू बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। चिकन एक तो बहुत अच्छा, ये देखो अंदर तक चिकन के मसाले हैं, चिकन के अंदर भी मसाले हैं, प्रॉपर टेस्ट है चिकन का। ये नहीं कि फीका फीका सा चिकन है, बिल्कुल टेस्टलेस, और अच्छा पका हुआ फुल ऐसे रेशेदार और काली मिर्च वाला पुलाव है, और उसके साथ जो फुल ऐसे खोए वाले मज़ेदार से चने, कमाल है यार। ये चने चावल ने बड़ी चस्क करानी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। माशाल्लाह मज़ा आ गया। अच्छा ये जो मटन है, ये वाइट मटन, इसके अंदर एक मटन का बड़ा पीस है तगड़ा, ये हमें मिला है वाइट मटन, 800 रुपए की प्लेट है। चिकन कढ़ाई है, ये अच्छी क्वांटिटी में थी, और ये मतलब कि दो बंदे इजीली खा लेंगे, ये हमें मिली है 600 रुपए की। यहाँ पे चिकन का बड़ा पीस, चने चावल, ये मिक्स करके हमें ये मिला है 350 का, और ये जो जर्द है ज़बरदस्त सा फुल ऐसे बादाम डाल के कमाल का, ये हमें मिला है 300 रुपीज़ का। प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है प्राइस, लेकिन खाना जब अच्छा होना तो प्राइस नहीं देखी जाती। इंतहाई मज़ेदार खाना है, मज़ेदार, बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये अंदाज़ा ला लो इतना मज़ेदार खाना था। मामू जुड़ गए थे, मटन यहाँ निश्तो नबूत, निश्तो नबूत, चिकन कढ़ाई फुल टन बा टन ख़त्म, और यहाँ पे हमारे चावल पड़े, उसमें हमने चने शने डलवा लिए, वो भी खाते। खैर मेरा कोटा पूरा है, मैं खाऊंगा अभी यहाँ पे मीठे चावल, मेरा मीठा शिट्टा हो जाए फुल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत ही ना इक्वल है मीठा, बहुत इक्वल है, आपको फील नहीं होता कि यार ये मैं क्या खा रहा हूँ, मेरा मीठा ही मीठा, कुछ भी नहीं ऐसा, मज़ेदार सारा खाना, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। बट्टी क्या है? बट्टी एक ब्रांड है। हाँ जी बट्टी ब्रांड है, जैनवर ब्रांड है। अब यार बहुत मज़ेदार खाना था, बहुत कमाल का मज़ेदार माहौल है फुल, एक एक चीज़ अपनी जगह पे, बहुत ज़बरदस्त। तो उसी की नुकरे लग गया आइयो हूँ, क्या कुछ और खाना जे चलो जी फुल हैवी ज़बरदस्त। चलिए ये भाई का नाम है पल्ली, पल्ली उस्ताद पल्ली नहीं यासर महमूद, नासर महमूद नहीं पल्ली, यासर पल्ली, मैं तो सुने कुल्ली कुल्ली की नाम है कुल्ली 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 उस्ताद, लेकिन कुल्ली उस्ताद दे हाथ च बड़ा जायका है ना, ओना दे हाथ च जायका नहीं है, नहीं पा के दे दे, ओ देखो है की हो रहा है उत्तर रोटियां रहे हैं। अच्छा सारा वही बनाते रहे अली भट्ट सही, तो कुल्ली साहब की कर दे रहे, कुल्ली साहब जो पागे दे सही हो गया। तेनू नहीं कुछ खवांदे?
नहीं भाई कितने इतना कुछ खाई दा लग रही नहीं है क्यों नहीं लगता तेनू इनु खवाओ पियो कुछ इनकी सेहत बनाओ देखो जरा आप पी ले रे सुला भी नहीं मारे सानू मां पई अच्छा हेलो ओ इनने ने पियो किसे नहीं चाह पई है 15 तेरी रखी है असी पानी भी पी लिए तो सानू वो भी लग जांदा इन्हां नू कुछ भी नहीं लगता यार बड़ी बात है ऐ वेख ला हुन तेनू शायद लग जा पी रहे की पता चाय लगी आवे आहो अल्लाह करे तेनू लग जाए कुछ ना कुछ किथे रह गए ने यार बहुत एक मजेदार खाना फुल हैवी जबरदस्त लोकी कहंदे ने जिंदा दिलाने लोर लोकां नू की पता गुजरांवाला दी इमाम कैसी है हैं मामू हां जी हां जी लो जी गुजरांवाले वाले जेड़े ने ना जोड़ कोनी बहुत मजेदार खाना था हूं इंज लग रहा की 5-6 घंटे कोई बंदा कहे क्या बिना के चख ला नहीं भाई वो तो मैं नहीं नहीं होती है ये तय लगा दी इन्होंने तय लगा दी वाकई फुल हैवी मजेदार लजीज खाना हां जी हां कुछ 10-20 मील 5-6 घंटे ना करेंगे और लगाएंगे हां जी पहलवानी करेंगे कहीं खाड़े पे जाते हैं पहलवानी करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये खत्म होगा अच्छा जी ठीक हो गया खैर आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है और सीरीज़ को फॉलो लाजमी करना है ताकि आपको पेशावर के भी खाबे नज़र आए फुल हैवी मज़ेदार से खाने क्या वीडियो ख़त्म करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो लाजमी करना है तो बड़ी प्यारी मेरे सिर ते उत्ते बिल्कुल आज बड़ी गर्मी यार खैर निकलते हैं जाके अपनी फूड सफारी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक अनदर GT रोड के एपिसोड के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हाय लस्सी पियाओ जी